नमो नारायण। गुरु मंत्र में पुनः आपका स्वागत है और बात करते हैं धनुराशि की। धनराशि वालों, जिस तरह के घर योगायोग सितारों की चाल संकेत देरी की, आज अधिकारी वर्ष अनुमन और कर्मचारियों का असहयोग रहेगा। कार्य क्षेत्र में असुविधा और अधिक खरीदारी की वजह से धन का अपव्यय होगा। आज जीवन साथी की उपेक्षा की तो घर में कलह की संभावना और आज दिन भर शारीरिक और मानसिक कष्ट की संभावना नजर आ रही। कहेंगे दाती महाराज क्यों डरा रही? नहीं रे भाई, ये तो मैंने सीखा ही नहीं। यदि है दर्द आपके पास, दवा मेरे पास में है। ये गोचर ये कह रहे कि आज निजगत कर्मों की वजह से परेशानी, आज एक छोटा सा उपाय है और ये उपाय रामबाण है, इस उपाय को आप कर लेना। दुर्गा अर्गला स्त्रोत या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम स्कंद माता दिव्ये नमः। पुनः एक बार, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम स्कंद माता देवी नमः। नौ माला जाप, घी का दीपक जला के कर ले, कम कष्ट आएंगे, परेशानियों का निवारण हो जाएगा। विशेष क्या करें, आज अपनों छोटों को साथ लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें, कोई साझेदारी का काम आज शुरू नहीं करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, समय अनुकूल सितारों का शुभ से भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी और अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मनोवांछित सफलता जो सोचा है आज मकर राशि वालों पूरा जरूर होगा। नए मित्रों से मिलन का लाभ मिलेगा, मन बहुत प्रसन्न रहेगा, शुभ कार्य की योजना बनेगी, घूमने फिरने और मनोरंजन के अवसर मिलेंगे और धन लाभ भी होगा। क्या करें, नए कार्य आज शुरू करते हैं। क्या ना करें, किसी भी अनुचित कार्य में साथी नहीं बने, इस बात का ध्यान। चाहे कितना भी गहरा दोस्त हो लेकिन अनुचित कार्य में उसके साथ खड़े नजर नहीं आना चाहिए, वरना परेशानी आ जाएगी। नमस्कार, बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, ग्रह गोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, भूमि भवन और वाहन की प्राप्ति का सपना पूरा होगा। घर परिवार का सुख बढ़ेगा, परिवार में धार्मिक कार्य संपन्न होंगे, कार्य क्षेत्र में उन्नति, विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र में प्रमोशन और रुतबा बढ़ सकता है। कुंभ राशि वालों, आज आपका क्या करें, आज सगे संबंधियों से अपना संपर्क बनाइए। क्या ना करें, तो पुराने विवादों को आज न छेड़ तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन, और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, समय और प्रश्न में सुधार, बिगड़े कार्य सुधरने का अवसर प्राप्त होगा और सामाजिक कार्य में रुचि बढ़ेगी, जिम्मेदारी को पूरा करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा, मान सम्मान बढ़ेगा और आय की स्थिति भी ठीक रहेगी, लेकिन फिर भी खर्चों पर काबू रखना बहुत जरूरी है। क्या करें, समय और धन का सदुपयोग करें। क्या ना करें, तो बड़ों की आज्ञाओं का उल्लंघन ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रह नक्षत्र पर आधारित था, और मैं हर रोज की तरह अपनी बात कहे बिना नहीं रहता हूं कि ये मेरा अनुभव है। जैमिनी और पारस सिद्धांत को जितना जानता हूं मैं समाज के सामने रखता हूं, लेकिन मैं आपसे कभी दावा नहीं करता हूं जो मैं कह रहा हूं वो सही, आपको सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा एक बात और कहता हूं कि हाथ कंगन को आर्थ से क्या, देखिए तो सही, लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि मैं दिल से आता हूं आपके लिए। चलिए अब आपको ले चलता हूं अंकों की रहस्य में दुनिया में, और क्या अंक आपके लिए फलादेश कर रहे हैं चर्चा करता हूं। सबसे पहले मूलांक एक, और मूलांक एक का स्वामी सूर्य है, जोड़ेंगे 10 एक 19 तो एक। जिसके जोड़ने से एक आता हो वो होता है आपका मूलांक। आपकी जन्म तारीख चाहे एक है तो एक मूलांक होगा, 10 है तो एक होगा, 19 है तो एक होगा, 28 है तो भी एक ही होगा, मतलब जोड़ दीजिए एक मूलांक एक, और मूलांक एक का स्वामी सूर्य होता है, और मूलांक एक आज समय बहुत अनुकूल है, अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, रहन सहन के मामले में सुधार आएगा और धन की प्राप्ति होगी। नमन, बात करते हैं मूलांक दो की। मूलांक दो सितारे सफलता का संकेत दे रहे, आज मन बहुत प्रसन्न रहेगा, आसपास का वातावरण मन अनुकूल और शासन की ओर से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नमन, बात करते हैं मूलांक तीन। मूलांक तीन, यदि आप नौकरी में, तो बॉस आपसे खुश रहेगा, आज आपका प्रमोशन हो सकता है या मनोनुकूल स्थान अंदर में, और यदि आप व्यवसायी है तो व्यवसाय में लाभ और मनो अनुकूल यात्राओं का मौका भी प्राप्त होगा। नमन, बात करते हैं मूलांक चार। मूलांक चार, किसी कामना की पूर्ति से मन बहुत प्रसन्न होगा, जो सोचा वो पूरा होगा और उसके पूरे होने से मन बहुत प्रसन्न होगा, आसपास का वातावरण मनो अनुकूल और आज अकस्मात रुका हुआ धन प्राप्त होगा। बस एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी, और है कि स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान, राहु के बीज मंत्र का जाप करेगा कल्याण होगा। अनुमान, बात करते हैं मूलांक पांच की। मूलांक पांच सितारों का संकेत यह है कि आज आकस्मिक खर्चा बढ़ेगा, लेकिन यह खर्चा लाभकारी वाला है, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं, खर्चा है तो शाम तक धन की प्राप्ति भी है, दिन अच्छा बीतेगा। अनुमान, और बात करते हैं मूलांक छह की। मूलांक छह सितारे संकेत दे रहे कि आज थोड़ा सा हाथ कंट्रोल में रखेंगे तो दिन बहुत अच्छा बीतेगा, वैसे अपनों का मिलन होगा,
अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, कारोबार में वृद्धि होगी, लेकिन थोड़ा सा भौतिक सुख साधनों में खर्चा नहीं बढ़े, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है। नमन, और बात करते हैं मूलांक साथ की। मूलांक साथ आत्मविश्वास बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा, साहस और उत्साह बढ़ेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपको आज मिलेगी। नमन, और बात करते हैं मूलांक आठ की। मूलांक आठ, जिस तरह की घर योगा योगी, आज विवादित भूमि में पूंजी निवेश करना आपके लिए ठीक नजर नहीं आ रहा है। कुछ भी निर्णय बिना बुजुर्गों की सलाह लेना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा, थोड़ा सा सावधानी बरते तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन, और बात करते हैं मूलांक नौ की। मूलांक नौ, सितारे कारोबार के दृष्टिकोण से सफलता का संकेत दे रहे, कारोबार में लाभ होगा और नए कारोबारी संबंध बनेंगे, धन प्राप्ति भी योग। लेकिन जिस तरह के घर योगा योगी, थोड़ा सा खान पान पर ध्यान दे, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, क्रोध पर काबू रखे बहुत अच्छा है, बीपी हाई नहीं हो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नमोनारायण, ये था नौ के नौ अंकों का रश्मि फलामत देश जो प्रभु कृपा से मैंने आपके सामने रखा। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ आज के उपाय में। यदि किरायेदार आपका मकान खाली नहीं कर रहा हो या किराया देने में परेशान कर रहा हो, इसके लिए एक सरल उपाय है, किसी भी माह के शनिवार को ये प्रयोग कर सकते। शनिवार दिन एक भोजपत्र ले आए, उस पर चंदन से उस व्यक्ति का नाम लिखे जिसे आपने अपना मकान किराए पर दे दिया है। तस्वीर इस भोजपत्र को मोड़कर किसी शहद की शीशी में डुबो दें, इस शीशी को अपने पूजा घर में रख दें। जिस शनिवार को अमावस्या हो यदि उस दिन ये प्रयोग किया जाए अति शुभ होगा, कुछ ही दिनों में आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये टोटका अद्भुत है, देखिए करके आपको लाभ मिलेगा। नम्र, और बात करते हैं आज के नुस्खों। यदि आपको खांसी आ रही हो, रत्ती भर कपूर गुड़ के साथ सुबह और दोपहर और शाम को सेवन करें, विशेष लाभ होगा। रत्ती भर कपूर, बच्चों में कहते हैं कुकर खांसी, जो बार बार खांसते रहते हैं, चने की दाल के बराबर पिसी हुई फिटकरी गर्म पानी में लेने से कुछ दिन लेके दे दीजिए, कुकर खांसी से छुटकारा मिलेगी। अद्भुत नुस्खे हैं, टोटके हैं, उपाय है, राशिफल, और सारे नुस्खे, सारे टोटके, सारे राशिफल आपको www.shanidham.in पे मिल जाएगा। नमनारायण, दाती गुरु मंत्र में आपका पुनः स्वागत। और आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, श्री शनिधाम शनि चित्र से असोला फतेहपुर मेरी अद्भुत है तीर्थ आपके लिए। ये दिल्ली में कुतुब मीनार से करीब 7-8 किलोमीटर आगे असोला फतेहपुर बेरी में ये अद्भुत स्थान है जो मेरी जीवन भर की संपूर्ण साधनाओं का फल यहां पर है। राष्ट्र से मेरी प्रार्थना है, एक संदेश लेके मैं राष्ट्र के सामने आया था, शनि शत्रु नहीं मित्र है। और आज आप यदि आके देखेंगे श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र में, यहाँ कोई पंडित पुजारी नहीं है, यहाँ कोई बिचौलिया नहीं, आप आइए, श्रद्धापूर्व पूजन करिए, दीपदान करिए और तेल चढ़ाए और चले जाइए। आप कुछ दिन देवाधिदेव शनिदेव के दर्शन करके देखो, आपकी जीवन की संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। राष्ट्रवासियों, देवाधिदेव शनिदेव का संदेश लेकर ही मैं आपके सामने आया था। और आज हर घर में, हर मंदिर में, हर चौराहे पर देवाधिदेव शनिदेव की पूजा होती है। बस एक बात ध्यान रखना, पूजा का फल तब मिलेगा आपको जब आप माँ बाप की सेवा करोगे, पत्नी धर्मानुकूल आचरण करोगे और इस राष्ट्र से प्रेम करोगे तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। शनि को मनाना है तो माँ बाप को मनाओ, शनि को मनाना है तो अपने रिश्तों की कर्ज करो, शनि को प्रसन्न करना है तो इस राष्ट्र के प्रति वफादार रहो, जीवन खुशियों से भर जाएगा। शनिदेव की जानकारी के लिए www.shanidham.in पे चले जाइए, फेसबुक पे जाइए www.facebook.com/shanidham, शनि शत्रु नहीं मित्र है, अद्भुत मेरी फेसबुक है, हर रोज मैं वहां रहता हूँ, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जब शनिधाम में फोन करें या जो नंबर आपको फोन के मिलते हैं उन नंबरों पर जब आप फोन करें तो, क्योंकि मैं फोन पर बात नहीं कर पाता, मैं रात दिन आपके लिए काम करता हूं, अनाथ बच्चे हैं, निराश्रित बच्चे हैं, गायें हैं, मैं उनकी सेवा में लगा रहता हूं। यदि आपको मेरे से मिलना है तो शनिवार के दिन 12-2 बजे के बीच में शनिधाम से अपॉइंटमेंट लेकर आप दिल्ली पधारें, मैं आपसे जरूर मिलूंगा। नहीं तो अपने शहर में तैयारी करी, मैं जो भी जहाँ शहर में बुलाना चाहेंगे, क्योंकि मैं कोई फीस लेता नहीं हूँ, नहीं कोई मेरा ऑनलाइन बैंकिंग है, मेरे नाम से कहीं 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखें। तैयारी करिए, आपके शहर में जरूर आऊंगा और आपकी समस्याओं का समाधान मिले, जितना जानता हूँ इस चैनल के माध्यम से आपको सपोर्ट करता रहता हूँ। नमनारायण, और बात करते हैं आज के सुझाव की। यदि पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ो, घर में हमेशा उठापटक रहती हो, अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ा हो, आज शुक्रवार का दिन सफेद रुमाल में 11 गुलाब के फूल, 1 पीपल का पत्ता, 7 चुटकी चावल,
60 डली गुड़ की रखकर पोटली बना दे। इस पोटली को अपने पूजा स्थान रख दे। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, तत्पश्चात हनुमान अष्टक का पाठ करे, संपूर्ण परेशानी का निवारण हो जाएगा। आज इतना ही, कल के लिए यदि आपको धन लाभ नहीं हो रहा हो तो क्या है उपाय? संतान आपकी बात नहीं मान रही है तो क्या है उसका टोटका? और आपके पेट दर्द है तो क्या है उसका अद्भुत नुस्खा? यह भी चर्चा करूंगा, लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।